फेसबुक हैक्ड अकाउंट या गेम हैक्ड अकाउंट जैसे कि लाइक फ्री फायर, पबजी या कोई भी अदर गेम, आपका अकाउंट हैक हो चुका है, वो फेसबुक से कनेक्ट था, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? उसको दो मेथड के थ्रू रिकवर किया जा सकता है। तो मैं आपको एक फर्स्ट मेथड बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और सेकंड मेथड आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड में आपको क्या होगा कि यदि आपका खुद का अकाउंट था और हैक हो गया है तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यदि आपने अकाउंट बाई किया था वो हैक हो गया है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, कल या परसों वो वीडियो आ जाएगी, तो उससे आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। बट आप ये वीडियो जरूर से ही देख लेना। यदि आप इस वीडियो को देख के ट्राई कर लें, शायद आपने अकाउंट बाई किया और आपके अकाउंट में एक्सेस आ गया हो, तो आपका यहाँ से भी आपका अकाउंट रिकवर हो सकता है, बाई वालों का भी, और जिनका खुद का अकाउंट है उनका तो रिकवर हो ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, सब आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को स्किप मत करना। यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो आप स्टेप मिस कर दोगे, कैसे अकाउंट रिकवर हुआ होगा, कैसे क्या होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो तो ये मैंने दो अकाउंट रिकवर किए हैं, लाइव ही आपको दिख रहा है। बट कैसे मेथड था, क्या प्रोसेस था, अब आपको ये हम तीसरा अकाउंट रिकवर करके फुल प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाना है जिसमें आप फेसबुक को यूज़ करते थे हैक से पहले, ठीक है, उस पर जाना है। उस पर facebook.com लिख के आपको सर्च करना है, ठीक है। आप सर्च करोगे तो उस पर आपको फाइंड माई अकाउंट करके या फाइंड योर अकाउंट करके ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अपना ओल्ड जीमेल या ओल्ड नंबर या करंट जीमेल या करंट नंबर आपको पता है तो आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, तो उसमें आपको सबसे नीचे दिख रहा है नो लॉन्गर डीजेब एक्सेस। आप इस पर क्लिक करोगे, यदि आपका ने कभी भी ब्राउज़र पर अपने अकाउंट को यूज किया होगा या आपको खुद का अकाउंट होगा या आपने बाय भी किया है उसको यूज किया होगा, तो उस पर आपको डायरेक्टली यहाँ से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि हमने क्लिक किया तो यहाँ से जीमेल डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आपको अपना करंट जीमेल या पुराना जीमेल या नया जीमेल यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आप फिल करोगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांगेगा, सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आप कंफर्म करोगे तो यहाँ से अपलोड आईडी का आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो अपलोड आईडी में आपको आप ऊपर फुल नेम और नीचे चूज फाइल में आपको अपना आधार कार्ड, कोई भी नेशनल आईडी कार्ड आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड करोगे, सेंड करने के बाद आपको कुछ लोडिंग होगा, कुछ टाइम आपको वेट करना है। अभी नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी टाइम लग जाता है सबमिट होने में, तो आप सबमिट करोगे, सबमिट होने हो रहा है, जैसे कि ये हम सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर आपको अपने यहाँ पर ओल्ड नेम ही डालना है, और ओल्ड नेम के अकॉर्डिंग यदि हैकर ने डिटेल्स चेंज कर दी है तो आपको सब ओल्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ओल्ड नेम डालना है, और चूज़ फाइल में भी ओल्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आपको आईडी कार्ड सबमिट करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिर आपको कुछ टाइम तक वेट करना है, तो आपको फेसबुक की तरफ से जो आपने यहाँ पे जीमेल फिल की थी उसी पर आपको एक मेल आएगा। जैसे कि कुछ टाइम वेट करने के बाद इस अकाउंट का ये मेल आ चुका है, तो इस पर हम रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके लिंक को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम सिंपली उसी ब्राउज़र पर जाएंगे जिससे हमने आईडी कार्ड को सबमिट किया था। सबमिट करने के बाद आपको उस लिंक को यहाँ पर कर देना है सर्च, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, पेस्ट करके आप एंटर पर क्लिक करोगे, सर्च करोगे, तो कुछ टाइम लोड होगा, और लोड होने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का या क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली से न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम न्यू पासवर्ड पे को यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से आपको मजबूत सा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करके डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हैकर का जो भी नंबर जीमेल ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और आपका नंबर अकेला जो जीमेल आपने फिल किया था वही जीमेल अकेला आपका बचेगा, ऑटोमेटिकली की हट जाएगा, और हैकर के पास जो भी आपका एक्सेस था वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। फेसबुक के न्यू रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसा इंटरफेस भी आ सकता है, तो उसमें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले ध्यान से। इसमें साफ साफ लिखा है, यू लॉग्ड इन आर यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ फोन रिसेंटली यूज टू रिकवर, प्लीज चूज द ईमेल यू वांट टू यूज़। आप वो नंबर और जीमेल आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ जिसको आप यहाँ से यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपना वही जीमेल यहाँ से टिक मार दीजिए जिसको आपने रिकवरी के टाइम आपने फिल किया था। तो आपको यहाँ से अपना जीमेल को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से अपना जीमेल सिलेक्ट करना है, और जीमेल सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका
सिंपली से हैकर का जो भी जीमेल वगैरह आप देखोगे वो रिमूव हो जाएगा। वो कभी कभी यहाँ से एरर भी आ जाता है, जैसे आईडी में एरर आ गया तो आपको सिंपली से स्टेप को क्लोज करना है, डायरेक्टली फेसबुक लिख के आपको या फेसबुक पर जाना है तो आपका आईडी सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है। आप यहाँ से आपको देखो हम दिखा देते हैं, यहाँ से हम ये गए यहाँ से इसकी गई प्रोफाइल पे, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा बहुत तो यहाँ से लोड टाइम देर में ले रहा है। तो यहाँ से हम गए सीधे इसकी प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे जाने के बाद सी अबाउट सेक्शन पे हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ही जीमेल ऐड है, हैकर का जीमेल सब कुछ हट चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को सिंपली से रिकवर कर सकते हो। तो आई थिंक आप समझ गए होगे कि फेसबुक हैक्ड अकाउंट को कैसे आप रिकवर कर सकते हो।